हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। सो मेरा नाम प्रियांशु गुप्ता है। वेलकम टू प्रियांशु व्लॉग्स। सो अभी बारिश हो रही है थोड़ी सी और टाइम भी था मेरे पास। मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना लेते हैं, इन्फॉर्मेशनल वीडियो। कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या मैं मेरा वीज़ा आ गया, क्या मैं 1-2 महीने पहले आ जाऊँ, कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। कहते हैं कि इमिग्रेशन वाले क्वेश्चंस पूछते हैं कि आप इतनी जल्दी क्यों आ गए हैं। तो इस सब का मैं जवाब दे देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यू आए हैं मेरे चैनल पे, तो वेलकम है आपका। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, मोटिवेशन के लिए, मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो बहुत सारे कहते हैं कि यार मेरा वीज़ा आ गया प्रियांशु, आई एम वेरी हैप्पी, तो मैं कल की बुक करा लूँ टिकट, फ्लाइट कल की करा लेता हूँ, तो कनाडा आ जाऊँगा, जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर करूँगा, बढ़िया लगेगा। पर अकॉर्डिंग टू मी, ये मेरा ओपिनियन है। अगर आपको मेरा ओपिनियन गलत लगता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप कनाडा से, फर्स्ट केस लेते हैं, एक बंदा है वो कनाडा 2 महीने पहले आया है, तो क्या होता है, प्रॉब्लम क्या आती है। मैंने जो प्रॉब्लम है बताई है, मैंने सोचा है उसके बारे में, ये प्रॉब्लम आएगी कि सबसे पहले आपकी GIC जल्दी ओपन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 2 महीने पहले आते हो, कोर्स स्टार्ट होने से पहले आते हो, 2 महीने पहले आपकी GIC ओपन होगी, और GIC ओपन होते ही आपको $2,000 पहले मिल जाएंगे और आपका एक्सपेंस शुरू हो जाएगा। जो 2 महीने बाद एक्सपेंस शुरू होना था वो 2 महीने पहले शुरू हो जाएगा। उससे ये हो जाएगा, आपको ये प्रॉब्लम आएगी कि एंड में, लाइक 1 साल ही आती है ना हमारी GIC, फिर आपको 10 महीने GIC आएगी, मतलब कोर्स ख़त्म होने के 10 महीने तक, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आएगी आपका, आपको फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का रेंट भी देना पड़ेगा जो आपने 2 महीने बाद देना था वो आप पहले आके दे रहे हो, और वो बिल्कुल इलॉजिकल लगता है मुझे, तो बेवकूफ़ी लगेगी एक टाइप की, अगर आप जल्दी आ रहे हो। हाँ, अगर आपका कोई रिलेटिव है तो आप आ सकते हो, रिलेटिव मतलब अगर आप रिलेटिव के घर रह रहे हो, क्योंकि वीज़ा मतलब ये होता है कि यू आर ऑथराइज्ड, ऑथराइज्ड मतलब आपको परमिशन दे दी गई है, आपके दरवाजे खुल चुके हैं कनाडा के लिए, आप आ सकते हो। बट मैं नहीं रिकमेंड करूँगा, बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट आते हैं, और स्टूडेंट जो आते हैं वो बहुत ही भारी तादाद में आते हैं, मात्रा में आते हैं, और उनके पास घर अकोमोडेशन भी ढूंढना होता है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको आना चाहिए 15 डेज़ पहले, क्योंकि अगर आप 15 डेज़ पहले आओगे, मैं भी 15 to 20 डेज़ पहले आया था, बिकॉज मेरी अकोमोडेशन कन्फर्म नहीं थी। तो उन 15 to 20 डेज़ में आप अपना सिम नंबर, अपना मोबाइल नंबर, और अपना अकोमोडेशन का देखोगे, ठीक है, अपने लिए रूममेट्स ढूंढोगे, अपने कॉलेज में रजिस्ट्रेशन कराओगे, मेरी तरह 1 कार्ड लोगे, सारी जगह एक्सप्लोर करोगे, इंटरव्यू अप्लाई करोगे, जॉब के लिए अप्लाई करोगे, और रिज्यूम बांटोगे। तो मेरी जो एडवाइस है एज अ ब्रदर, अगर आप मानो तो कनाडा जैसे वीज़ा लगता है जल्दी ना आओ, क्योंकि आपका एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होगा। और कहते हैं कि इमिग्रेशन वाले वापस भेज देते हैं, इसके बारे में कन्फर्म नहीं, बट उनका लॉजिक यही रहता है कि अगर ये आएगा तो पता नहीं क्या करेगा, 2 महीने पहले क्यों आ रहा है, क्या रीज़न है, क्योंकि जब रहना है इसने 2-3 साल है, क्यों 2 महीने पहले आ रहा है। और एक और बात है गाइस, सिन पे कभी भी काम ना करना, जब से आपके कॉलेज स्टार्ट होंगे ना तब से काम करना, क्योंकि तब से ही आपके आवर्स गिने जाते हैं। अगर आपने पहले काम किया वो इल्लीगल एक्टिविटी में आ जाएगा, तो फिर बाद में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैं यही आपको एडवाइस करता हूँ गाइस, जब भी आना जल्दी ना आना, और आराम से आना, अपनी अच्छी से शॉपिंग करना और खुश रहना गाइस। बस मैं यही दुआ करता हूँ, जो भी हर एक स्टूडेंट आ रहा है वो हमेशा सक्सेसफुल हो, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे आएगा। एंड आई लव यू ऑल, आप लोग बहुत ही प्यार दे रहे हो मेरी वीडियो को और लाइक भी कर रहे हो। तो कोई भी क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में बताना। और सेकंड, हाँ, आप कोर्सेज के बारे में पूछते हो कि ये कोर्स कैसे, मैं आपकी ऐसे हेल्प कर सकता हूँ। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए, मैं उसमें आपको डाल दूंगा, आपको लिंक सेंड कर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव रहता हूँ और आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। नो एटीट्यूड, नो ईगो, इंस्टेंट रिप्लाई नहीं मिलेगा पर मिल जाएगा आपको, ठीक है। लव यू ऑल गाइस, अपना ख्याल रखना, ठीक है, और 15 डेज़ पहले आना। फाइनल प्रियांशु गुप्ता की लाइन, 15 डेज़ पहले आना ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपके एक्सपेंस ज़्यादा हो जाएंगे और आप 2 महीने क्या करोगे यार, सीधी बात है। ओके, अपना ख्याल रखना गाइस, आई लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।